रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र में अलग अलग दिन में दो लोगों की पिटाई की घटना सामने आई। इसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और रांची के अस्पताल में भर्ती है। दोनों के परिजन का कहना है कि तमाड़ थाने में शिकायत दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही और परिजनों को FIR की कॉपी भी नहीं मिली। इस मामले में अब तमाड़ पुलिस की शिकायत रांची SSP के पास पहुंच गई है। आरोप है कि पुलिस अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही। इस विषय पर तमाड़ थानेदार क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक एक कर खबरों को विस्तार से बताते हैं। आज से 5 दिन पहले 9 सितंबर को सार्जमडीह पोड़का गांव निवासी भरत पुराण को एक व्यक्ति ने पीट कर जख्मी कर दिया था। घटना रात 9 बजे के आसपास की है। परिजनों के अनुसार घायल व्यक्ति को झोला छाप डॉक्टर की मदद से उपचार कराया गया। जब वो ठीक नहीं हुआ तो दूसरे दिन उसे तमाड़ थाना लेकर पहुंचे। यहां तमाड़ पुलिस तमाड़ अस्पताल भेज दिया। तमाड़ अस्पताल में उपचार के बाद उस मरीज को रिम्स रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति भरत पुराण का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। काम कर रास्ते में मर गिरा लोग मुके जा रहे यार आतरे रहते यार रास्ता मैंने बुधपुर निकलो लोग टागा ले कोने रास्ता मैंने पीट दिलो पीटल बाद गिर गए लोग कोने मुड़े यार गोटाई चोटा लोग तर बाद छाती एकदम गोड़ दे कोने फोन लोग तर बाद एकदम बेहोश है गए लोग बेहोश है गए लोग कोने छोड़ कर घर आलो का छोड़ रही कौन घर आलोक तर बाद ये का कर लोग इकर जो कौन होश आलो से ही कोने ये घर आलोक 9-10 बजे रहते घर आलोक तर बाद गाँव के डॉक्टर को डाख ली यार दवाई दवा करा ली खून बंद नहीं हो लोग सही कोने बिहान है यहाँ आन ली टमर अस्पताल आन ली फिर खाना आन ली थाना आने बाद वो लोग टमर अस्पताल लगा हुआ लग ली तो हुआ टमर अस्पताल लग ली हुआ बैंडेज कर दे लोग और थाना आन ली थाना लग को लोग जितर रिम्स लगा को कर रिम्स आन ली और एक लोग पूरा सीरियस है यार मो एक यहाँ रिम्स मैंने और मो घर छुआ सब छोटे छोटे यहाँ से लोग मैं छोड़ रही खून आए আর কোহতে কি যে মানে আরও এক লোক কাট খুন যাম করবো কোহতে মৎস্য পুতাম যদি কোনো করতেই হলে মানে কা করবে আর আজ তো পুলিশ উপরে কোনো কারবাই নাই করো তো 9 তারিখে হয় সেটা আর আজ 6 দিন হয়ে গেল মানে রিমস মানে स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये एक सफेद कागज में तमाड़ थाने का मुहर लगा हुआ कागज है। इस कागज का नाम नोटिस है। इस नोटिस का मतलब यही है कि मामले को लेकर दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया है, लेकिन पिटाई खाने वाले पक्ष अस्पताल में है। अब दूसरी घटना बताते हैं। 6 सितंबर की रात तमाड़ के मोदी निवासी गुरवा योगी को कुछ लोगों ने पिटाई कर दिया, जिसमें गुरवा योगी गंभीर रूप से घायल है। किसी तरह गुरवा योगी की जान बच गई। तमाड़ अस्पताल में रेफर के बाद रांची के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। गुरवा योगी ने न्यूज स्टॉप के ऑफिस पहुंचकर इस पूरी घटना की जानकारी दी। मतलब घटना स्थल पर पुलिस पहुंचा था, हमारा खून देख के वो बोला कि आप थाना ले जाइए, हॉस्पिटल ले जाइए, ठीक है। अच्छा, घटना के बाद में पुलिस पहुंची थी? तो पहुंची थी, लेकिन उसी टाइम उसका बाद बहुत देर बाद। अच्छा, उसका बाद में हम लोग हॉस्पिटल चल गए। हाँ, लेकिन ना हॉस्पिटल में प्रशासन आया ना कोई, वहाँ पर ही सिर्फ टका ही किया, दो सुई दिया, उसका बाद में ब्लड बंद नहीं हो रहा था जिसमें वो तुरंत ही रेफर कर दिया। गुरवा योगी का कहना है कि तमाड़ थाने में मामला दर्ज कराने के बाद अब तक FIR दर्ज नहीं की गई। अब गुरवा योगी रांची SSP से तमाड़ पुलिस की शिकायत की है। इधर तमाड़ थाना प्रभारी दीपक सिंह से न्यूज स्टॉप के हेड आशीष कुमार प्रमाणिक ने जानकारी ली तो बताया गया कि सार्जमडीह पोकरा गांव में भरत पुराण के साथ घटी घटना पर FIR दर्ज हो चुकी है। तमाड़ प्रभारी का कहना है कि 6 सितंबर को गुरवा योगी के साथ घटी पिटाई की शिकायत थाना पहुंची है। FIR दर्ज से पहले जांच चल रही है, लेकिन इधर गुरवा योगी भी रांची अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सिर में गंभीर चोट आने के बाद उन्हें 13 टाके लगे हैं।